यहाँ पे राजस्थानी धोतियाँ मिलती है, यहाँ से लंबा चौड़ा मार्केट है आगे तक सावली। यहाँ पे ऐसी शेरगंज से बहुत तगड़ी वाली यहाँ भाइयों। अभी हमें रामदेरा में, जैसा मैंने आपको बताया है, इसे बेसिकली रूणीचा धाम भी कहा जाता है। मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। ये जगह इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे रामसा पीर के नाम से मतलब एक श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं उनके दर्शन करने के लिए। यहाँ से थोड़ा ही दूर है रामसा पीर का मंदिर, वहाँ पे लोग आते हैं कई शहरों से, दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार, कई जगहों से यहाँ पे लोग श्रद्धालु आते हैं। हिंदू, मुस्लिम, चाहे कोई सा भी पंथ धर्म हो, यहाँ पे उनके दर्शन करने से कोई भी मन्नत पूरी हो जाती है, ऐसा श्रद्धालुओं का कहना होता है। यहाँ पे भादव महीने में मतलब बहुत ही बड़ा मेला लगता है, इतनी भीड़ होती है, इतनी संख्या होती है कि लोग यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं, इतना मार्केट फुल रहता है। तो भाई अभी मतलब जो रामसा पीर का मंदिर इतना खुला नहीं है, लोग ज्यादा भीड़ में नहीं है, बट जो भी लोग मेरे भाई देख रहे हैं बाहर से, जो भी मतलब रामसा पीर के श्रद्धालु है, वो मैं उनको दर्शन करा दूंगा बाहर से मंदिर वगैरह का। और आप देख लेना यहीं से, अगर आपकी कोई मनोकामना हो तो पूरी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप आओगे अभी तो मेला वगैरह नहीं लगा हुआ है, तो ज्यादा मतलब आपके वर्थ नहीं होगा यहाँ पे आना। अगर आप मेले के टाइम आओगे तो आपका वर्थ होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें मिल जाएगी आपको और बहुत सारा मतलब आपको घूमने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो भैया ये है रामदेव में एक तालाब जो आपको दिख रहा होगा पीछे मेरे बैकग्राउंड में, ये बहुत ही बड़ा तालाब है। तो भाई अभी हम यहाँ पे इस तालाब की ऊंचाई पर आ गए हैं, यहाँ से आपको रामदेरा का पूरा मतलब नजारा दिख रहा होगा। हम क्या है कि सुबह जल्दी आ गए, इसका बेनिफिट ये है कि अभी धूप नहीं निकली है, इस कारण हमें मतलब शूट करने में कोई परेशानी नहीं हो रही। अगर दोपहर में आते तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि अभी समर का टाइम चल रहा है। जैसलमेर एरिया इतना तपता है ना गाइस, यहाँ पे 40 डिग्री तक तापमान जाता है। अगर आप आओ यहाँ पर तो सर्दियों के मौसम को प्रेफर करना, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर गर्मियों में आओगे तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आपके पसीने छूट जाएंगे। ठीक भाई, ये जो आपको बनाया हुआ ऊपर दिख रहा है, ये पत्रे टाइप का जो इधर बनाया हुआ है वहाँ तक, यहाँ पीछे बहुत लंबा है यहाँ से, ये इसलिए बनाया है कि यहाँ पे श्रद्धालु जो आते हैं यहाँ पे मतलब लाइन लगाते हैं बहुत। अभी तो COVID-19 की वजह से ज्यादा भीड़ नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ पे बहुत ही लंबी लाइन लगती है और यहाँ से मतलब लाइन बाय लाइन यहाँ पे श्रद्धालु दर्शन करते हैं बाबा रामदेव जी का। रामदेव जी के मंदिर के जस्ट बाहर एक भाई साहब की दुकान है, भाई साहब नाम क्या था? किस चीज की दुकान आपकी है? कितने श्रद्धालु आते थे डेली यहाँ पे? यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सरसाइज वगैरह हैं और यहाँ पे कड़े वगैरह आप देख लो। यहाँ पे ये है पूरा मार्केट, यहाँ का मतलब बहुत ही बेहतरीन मार्केट है मतलब एक्सरसाइज के लिए। यहाँ पर जो भी खरीदना चाहते हम आगे चलेंगे कुछ देखेंगे। यहाँ पर यहाँ पे बैंगल्स वगैरह की शॉप है, यहाँ पे चूड़ियाँ वगैरह मिलती है बहुत ही मतलब सही ढंग की। आप आओ यहाँ पे, भैया की दुकान भी आ सकते हो, बहुत ही अच्छा सवाल में आइटम मिलता है, बहुत ही अच्छा। क्या क्या मिलता है भैया? यहाँ पे आपको रामदेरा में 40 साल से यहाँ पे दुकान आपकी, यहाँ क्या क्या ये सब मिलता है ना ये सब? तो आप कॉन्टेक्ट करना है, भैया भी है बहुत अच्छे नेचर के, अंकल भी है यहाँ पे। राजस्थानी जूतियाँ मिलती है बहुत ही अच्छी डिजाइन की, लड़कियों की, लड़कों की, सबकी ना यहाँ पे आपके कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बहुत ही अच्छी दुकान है मतलब यहाँ पे अलग अलग टाइप की सबकी दुकान है। एक सिमिलर कैसे भी है, एक जैसी कैसे दुकान है? ये ऐसा ही है ना सबको मतलब अलग अलग नहीं है, सेम है माल तो ना, फिर कैसे चलता है यहाँ पे ऐसे सेम मार्केट? एक जगह एक इकट्ठा हो जाती है, उसके बाद में सबसे उधर से अलग अलग। यहाँ से लंबा चौड़ा मार्केट है आगे तक आप देख लेना, यहाँ पे बहुत सारी चूड़ियों की सिमिलर दुकान है यहाँ पे।
और आगे तक बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे ये तलवारों की दुकान है चाकू खंजर की, है ना, ये यहाँ पे सब मिलता है। ये यहाँ पे एक्सरसाइज मिलती है यहाँ पे, देखे हो ये तलवार वगैरह क्या प्राइस की यहाँ पे, अभी कोई भी खरीदने आएगा क्या प्राइस तो भाई यहाँ पे ऐसी ऐसी एयर गन्स है बहुत तगड़ी वाली, यहाँ पे आप ले सकते हो। यहाँ पे एयर गन है भैया और ऐसी बहुत सारी एयर गन छोटी बड़ी। तो भाई यहाँ पे पूरा लगभग मार्केट एक्सप्लोर कर दिया है एंड अभी यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ एंड अभी पोकन जाने का प्लान है मेरा, कि हम पोकन की तरफ जाएंगे। यहाँ से फुल ऑन शूट किया है और यहाँ पे मतलब काफी हद तक शूट किया है, बहुत ही अच्छे यहाँ के दुकान वालों का नेचर बहुत अच्छा। कोरोना से आर्मी रिपब्लिक भाग रहे हैं, कोरोना नींबू नहीं बिक रहे हैं कि कोरोना लग जाएगी, लग जाएंगे कोरोना, पब्लिक कम आ रही है, वो देखा हाथ लगाएंगे तो कोरोना हो जाएंगे। नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आएंगे बहुत सारे, ज्यादा से ज्यादा नींबू पानी पियो, ज्यादा से ज्यादा नींबू पानी पियो।